हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने स्टूडियो प्लेटफॉर्म बिफोर यू पैसे पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक आपकी केबीसी की फॉर्मेट क्विज सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 6 एपिसोड हो चुके हैं, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा। साथ ही साथ इसमें एक मज़ा लाने के लिए एक सांकेतिक रुपया भी यूज किया गया है, ताकि आप हर सवाल के लिए आप एक उस मनी वैल्यू को समझ सकोगे। और क्विज को लगातार ईमानदारी के साथ करते जाइए, और अच्छा लगे तो परिवार, दोस्त और अपने सखे संबंधियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पर्यावरण का ध्यान हमेशा याद रखिए, वो आपको हमेशा करना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। साथ ही साथ खुद की और अपने परिवार की भलाई और अच्छाई के लिए हमेशा वर्क करना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाइए। तो आपका मैं यहाँ पर सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और पहले सवाल के साथ बढ़ते हैं और स्टार्ट। इस बार आपकी शुरुआत जो हुई है वो रीजनिंग के सवालों से हुई है, और हर बार कुछ ना कुछ इसमें अलग करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपको एक अच्छा एक अलग अनुभव आपको प्राप्त हो। और इसमें पहले सवाल को देखिए तो बोला जा रहा है कि इफ़ इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में ए को एक से, बी को चार से, सी को नौ से दर्शाते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 36 को किस से दर्शाएंगे। यानी अगर इंग्लिश वर्णमाला में ए के लिए हम लोग एक जो है इस्तेमाल करते हैं, बी के लिए अगर हम चार का इस्तेमाल करते हैं, और सी के लिए अगर हम नौ का इस्तेमाल करते हैं, तो 36 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइए। इस तरह के सवाल आपको कंपटीशन वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एकेडमी लेवल पर पढ़ते हैं, तो आप जब मैट का दोगे, खासतौर पर एनटीएससी वगैरह का पेपर दोगे, मेगा छात्रवृत्ति का, तो उसमें इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपका मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए, रीजनिंग के लिए। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ए को अगर एक से दर्शाएंगे, बी को चार से, सी को नौ से, तो 36 से किसको दर्शाएंगे। समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और बढ़ते हैं अपने जवाब की तरफ। और आपका जवाब होगा एफ। एफ जो है आपका वो 36 से दर्शाया जाएगा। क्यों दर्शाया जाएगा उसको भी देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी जो है ना वो स्क्वायर है। आपका जब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे में लिखोगे ए बी सी डी करके, तो ए सबसे पहले आता है, और ए के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक। तो जब एक का वर्गमूल करोगे, वर्ग करोगे, तो वो भी एक आएगा। बी जो है ए के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दो का जब आप वर्ग करोगे तो ये चार आता है। सी जो है तीसरे पे है, तो उसका वर्ग करोगे तो नौ। इस तरह से 36 किसका वर्ग होगा दोस्तों, तो 6 का। तो अंग्रेजी वर्णमाला में छठे नंबर पे कौन आ रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ, यानी एफ आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1000 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका दूसरा सवाल ये है, ये भी रीजनिंग का ही है आपका। चूज फ्रॉम द ऑड्स है कि इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो बाकी तीन से भिन्न है, बाकी तीन से अलग है। यानी यहाँ पर आपको विषम चूज करना है, जो बाकी तीन से किसी भी मायने में अलग हो। आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, तीसरा है पार्लियामेंट यानी संसद, और चौथा है आपका चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। इन चारों में से कौन सा वो एक ऑप्शन है जो बाकी तीन से अलग है। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइए, साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करते चलेंगे और लाइक भी करते जाइए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी देते जाएं। चलिए समय का समाप्त करते हैं और जवाब की तरफ बढ़ेंगे। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है आप देखिए एक संस्था है, एक सदन है, एक संस्थान है, जहां पर जो है कानूनों का निर्माण किया जाता है। जबकि जो प्रेसिडेंट हो गए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गए या चीफ मिनिस्टर हो गए, ये जो है एक पद है, एक पोस्ट है जिसका निर्वाचन होता है, जबकि संसद जो है वो एक संस्थान है। तो इन तीनों, ये तीन के तीन जो है पोस्ट है, जबकि पार्लियामेंट जो है वो एक संस्थान है, एक भवन है, तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट इन तीनों से अलग है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा होगा तो अपने प्यार जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा। अब इतिहास का सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। पिछली बार हमने आपसे पूछा था तृतीय बौद्ध संगति, इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम जैन संगति किस राजा के द्वारा होस्ट की गई थी। जैन संगति भी हुई थी दोस्तों, अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो आपको 4 बौद्ध संगतियां और 2 जैन संगतियां देखने को मिल जाएंगी। तो बौद्ध संगति के बारे में हमने बात कर लिया था, आज आपको बताना है कि प्रथम जैन संगति किसके
समय में या किस राजा के द्वारा हुआ था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, भीम वन, चंद्रगुप्त मौर्य और आम्रपाली। इन चारों में वह कौन से शासक थे जिनके समय में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? जगह मैं आपको बता देता हूँ हिंट के लिए कि जगह है पाटलिपुत्र। पटना ही वो जगह है जहां पर जैन संगति भी हुई है। चलिए समय को समाप्त करता हूँ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जो संस्थापक है जिसने धनानंद को पराजित किया था, तो मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो स्थूल भद्र के से दीक्षा लेकर के वो जैन धर्म को अपना लेते हैं और उसी के बाद पाटलिपुत्र में आप देखोगे कि यहाँ पर प्रथम जैन संगति का आयोजन किया जाता है। चंद्रगुप्त वन जो है ये गुप्त वंश के प्रतापी राजा हैं और इनकी पत्नी थी कुमार देवी और इन्होंने एक सिक्का भी चलाया था जिसपे अपना और कुमार देवी का फोटो लगाया था। भीम वन आपके जो है ये प्रतिहारों के बहुत ही फेमस राजा हैं और इन्हीं के समय में आप देखोगे संभवतः सोमनाथ मंदिर का निर्माण होता है। और आम्रपाली एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी रहती है, डांसरा बोल सकते हो, अप्सरा बोल लो, जो भगवान बुद्ध के टाइम में होता है और ये उनकी शिष्या भी बनती है। शुरुआत में बुद्ध भगवान इनको मतलब शरण देने से मना करते हैं बट उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे भगवान बुद्ध जो है आम्रपाली को अपनी शिष्या बनाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये है आपका तीसरा सवाल ज्योग्राफी का और एक सवाल में आप देखोगे तो कई सवाल आ गया। हो सकता है अगली बार आपसे सोमनाथ मंदिर पूछ लिया जाए या आम्रपाली के बारे में पूछ लिया जाए तो सवाल आपके यहाँ 15 जरूर है बट 50 से भी बढ़ के। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 3500 के सांकेतिक रुपयों के लिए कि बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आपको कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको बताना है कि बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ स्थित है? पटना, राजगीर, बेगूसराय, दरभंगा। इन चारों संस्था जगह में कौन सा वह जगह है जहाँ पर बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की अवस्थित है? चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा राजगीर। राजगीर जो कि पांच पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। अगर आप इतिहास देखोगे तो सबसे प्राचीन राजधानी का गौरव इसे प्राप्त है। जब हर्यक वंश और जरासंध के टाइम में बृहद्रथ वंश था तो उस समय राजगीर ही आपकी पहली राजधानी हुआ करती थी और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। साथ ही साथ ये विश्व प्रसिद्ध आपका पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी, जहां आपको हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम और मतलब हर धर्म के कुछ न कुछ, इनफैक्ट सिख धर्म के भी आपको यहाँ पर कुछ दार्शनिक स्थल, दर्शन वाले स्थल देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान समय में यहाँ पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिरूप के रूप में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी खोला गया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे अद्भुत चीज़ें दिख जाएंगे। अगर आपने राजगीर नहीं घूमा है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ अब पटना भारत की राजधानी, बिहार की राजधानी है, बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है और दरभंगा जो है ये अभी देखो तो नॉर्थ बिहार का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। चलिए समय को समाप्त कर दिया और अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 5000 के सांकेतिक रुपयों के लिए अगला सवाल और ये है आपका विज्ञान का। सिंपल सवाल है बट फैक्चुअल है। अमीबा नाम तो सुने होंगे, सबसे सरल सूक्ष्म जीव, एक कोशिका का होता है, जैसा तैसा आप जैसा भी उसकी आकृति बना दो बस पैक होना चाहिए। तो अमीबा सरल सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका होती है। तो आपको बताना कि अमीबा है क्या है, सूक्ष्म जीव तो है लेकिन उस सूक्ष्म जीव में कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगी यानी शैवाल, वायरस यानी विषाणु और प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ। इन चारों में से किस वर्ग से अमीबा का संबंध है? अमीबा वास्तव में इन चारों में से किस वर्ग से संबंधित है? चलिए समय को समाप्त कर रहा हूं, जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करते जाइए। आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहां पर ये तीनों के तीनों नहीं है, आपका यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका प्रोटोजोआ। अमीबा जो है प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है और इसी ये जो है पूरी दुनिया का संभवतः सबसे सरल सूक्ष्म जीव माना जाता है। एक कोशिकीय जीव भी है तो इसका आपको पता होना चाहिए।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5-6 जो भी है, 10,000 के सांकेतिक रूपों के लिए। फिर से एक हिंट वाला सवाल है, ऐसे सवाल आपको सोचने पे मजबूर करते हैं और आपकी तार्किक क्षमता को, आपकी चिंतन क्षमता को बढ़ाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, याददाश्त को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ कुछ हिंट है, आपको राज्य गेस करना है। ये बोला जा रहा है, पहला हिंट बोला जा रहा है कि इट इज़ अ लैंड ऑफ स्पाइस, यानी ये जो राज्य है यहाँ पर मसालों का उत्पादन काफ़ी होता है, मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा हिंट है इट्स एयर इट्स बॉर्डर विद तमिलनाडु, यानी ये अपनी सीमा साझा करता है तमिलनाडु के साथ। तीसरा आपका हिंट है कि ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध ओनम त्यौहार मनाया जाता है। और चौथा बोल रहा है इट इज़ वन ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर बोटिंग, और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ पर बोटिंग भी की जाती है। चार हिंट है आपके, पहला यह जो क्षेत्र है, यह जो राज्य है, मसालों का उत्पादन काफ़ी करता है। दूसरा हिंट है कि यह तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीसरा, यहाँ पर एक ओनम त्यौहार मनाया जाता है। और चौथा कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध आपके पर्यटन स्थल है जिसमें बोटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ बोटिंग रेस भी होती है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर और गुजरात। फिर से कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, चारों में कौन सा राज्य है जो इन सभी खूबियों से लैस है। चलिए, समय को समाप्त कर दिया मैंने और अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सेशन को शेयर करते चलेंगे और साथ ही साथ ईमानदारी से जवाब भी। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका केरल। केरल भारत का, आपका दक्षिण भारत का एक राज्य है जहाँ पर सबसे पहले मानसून आपको देखने को मिलेगा, प्रवेश करता है। यहाँ पर मसालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम ही रख दिया गया है इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स। तो यहाँ पर आपको काफ़ी मसाले देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये अपने सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के साथ साझा करता है। ओनम यहाँ का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है और ये बहुत ही एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, और इसमें आपको बोटिंग रेस देखने को मिल जाएगी। अगर आपने बागी फिल्म देखी होगी तो उधर भी आपको बोटिंग रेस वाली सीन देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला सवाल आपका 15,000 के सांकेतिक रूपों के लिए और बायोलॉजी का सवाल है। सवाल है आपका ट्रैकोमा, एक बीमारी है ट्रैकोमा, बहुत ही प्रसिद्ध बीमारी है। तो बोला जा रहा है कि ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी, यानी ये जो ट्रैकोमा बीमारी है ये शरीर के किस भाग से संबंधित है, किधर होता है ये। आपके ऑप्शन है ईयर, कान, ऑप्शन बी है आई आँख, ऑप्शन सी है नोज नाक, और ऑप्शन डी है लंग्स यानी फेफड़ा। इन चारों में वो कौन सा पार्ट है शरीर का जहां पर ट्रैकोमा बीमारी होती है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, और आपके जो आंसर्स हैं वो है आपका यहाँ पर आइस। आई जो है यानी ट्रैकोमा बीमारी जो है ये आंखों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इस तरह की चीज़ें भी आपको दिया जाता है। जैसे कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो निमोनिया है, जैसे कोरोना ही था, तो ये किस पार्ट से संबंधित था, तो फेफड़े से, लंग्स, ये याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिजिक्स का एक सवाल है दोस्तों, और काफी अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन। अब जब हम किसी चीज को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो वो वापस पृथ्वी पर गिरती है। बोलता है कि कम से कम कितनी स्पीड से फेंकेंगे, कितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे, कितनी वेग से फेंकेंगे कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, यानी वो वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो कम से कम कितनी स्पीड से फेंकेंगे कि वो जो वस्तु है वो आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके सदा सदा के लिए अंतरिक्ष में चला जाए, फिर से कभी वापस नहीं आएगा। आपके ऑप्शन है 11.9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है 33 मीटर पर सेकेंड। इन चारों में वो कौन सा वेग है, कौन सी स्पीड है, वेलोसिटी है, जिससे अगर आप जब ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वह वस्तु जो है दोबारा कभी भी पृथ्वी पे नहीं आएगा, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूं, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा 11.9 मीटर पर सेकेंड। 11.9 मीटर पर सेकेंड के जब आप रफ्तार से किसी चीज को फेंकोगे
तो इस 11.9 मीटर से जब आप फेंकोगे तो ये सदा सदा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देगा। ये आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय वेग है, यानी इतनी स्पीड से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 9.8 ना लेकर के हम लोग 10 मीटर के आसपास समझते हैं, और 33 जैसा यहाँ पर कुछ है नहीं। चलिए फिर से एक नॉट वाला सवाल है, और इतिहास का ही नॉट है, यानी ये जो है आपको बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपने इतिहास में असहयोग आंदोलन सुना होगा, असहयोग आंदोलन, तरह तरह के आंदोलन हुए थे, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह। तो आपको बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपके असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है, यानी आपको गलत वाले का चुनाव करना है। दोस्तों आपके ऑप्शन है कि इट स्टार्टेड इन 1920, यानी ये जो आंदोलन है ये 1920 में स्टार्ट हुआ है। अगर ये सही है तो आप इसको नहीं चुनोगे। आपके सेंटेंस बी है, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफ खिलाफत आंदोलन, यानी बोल रहा है कि ये खिलाफत आंदोलन का ही एक विस्तृत फॉर्म है, यानी बोला जा रहा है कि इससे पहले, आपके असहयोग शुरू होने से पहले खिलाफत आंदोलन चलाई गई थी, और उसी के समय लगातार उसी में जोड़ते हुए यहाँ पर असहयोग को भी शुरू किया। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो नहीं चुनेंगे, गलत है फिर चुनेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, बाल गंगाधर तिलक प्ले इम्पोर्टेंट रोल विद गांधी जी। बोल रहा है कि ये गांधी जी ने इसको शुरू जरूर किया था, बट बाल गंगाधर तिलक ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके साथ साथ। तो ये क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर, अगर ये तीनों सही है तो फिर आप नन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, अगर इसमें से कोई गलत है तो फिर आप उसको चूज करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह के सवाल हो जाते हैं। यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसके साथ हुआ, ये सब आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, और इसीलिए हमने यहाँ पर इसको आपको नॉट फॉर्म में दिया ताकि आप पूरी चीज़ें जानो। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों नहीं है दोस्तों, आपका स्टार्ट हुआ था 1920 में, ये सही है, 1920 में स्टार्ट हुआ था, इट इज़ ए कंटिन्यूइंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये भी सही है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, तब तुर्की का जो खलीफा पोस्ट था अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया था, तो पूरी दुनिया में और कहीं के मुसलमानों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन हमारे भारतीय मुसलमानों ने इस चीज़ के खिलाफ आंदोलन भी किया, तो जिसमें गांधी जी ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसी के लगातार उसी के साथ हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। लेकिन ये गलत है, बाल गंगाधर तिलक जो है इस समय एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं वो, और जिस दिन वो मरते हैं उसी की संध्या पे या उसी के अगले दिन अगर आप देखोगे तो आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। यानी सोचो हमारे नेताओं के अंदर कितना ये होगा कि सुबह बाल गंगाधर तिलक के जनाजे को कंधा देते हैं ये लोग, और शाम से वापस अपने कर्तव्यों में जुट जाते हैं। तो यहाँ पर आपके बाल गंगाधर तिलक जी इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाए थे, लेकिन जब तक वो जीवित रहे अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था उन्होंने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ₹80,000 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल है, और ये आपका करंट से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी से भी है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का। बोल रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है चिनाब, रावी, पुनपुन, कावेरी। इन चारों में वो कौन सी नदियां हैं जिस पे आपका दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया? इतना ऊंचा दोस्तों कि जो इफिल टावर है पेरिस का वो भी इसके सामने आपको छोटा दिखेगा। तो बहुत ही ऊंचा रेलवे ब्रिज है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास मतलब इंजीनियरिंग के द्वारा इसको किया गया, और इसका सही जवाब होगा चेनाब। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जो आपका एरिया है, उधमपुर श्रीनगर वाला या उधमपुर कटरा, जो आपका माता वैष्णो देवी से जो रास्ता जाता है कटरा, तो उस लिंक को जोड़ने वाला रास्ते पे आपको ये पुल देखने को मिल जाएगा। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, याद रखिएगा। ये भूकंपरोधी भी है और भी कई सारी खूबियां हैं, तो अगर आप उस वीडियो को देखिए आपको थॉरली समझ में आ जाएगा।
तो रावी, पुनपुन और कावेरी, इन तीनों नदियां का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये तीनों नदियां, हालांकि रावी जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आती है, पुनपुन और कावेरी आमतौर पे उतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र से नहीं आती। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 लाख के सांकेतिक रूप के आपका सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ वर्ल्ड। ये संभवतः आप इसमें या तो आप मतलब आपके लिए हलवा सवाल है, लड्डू है, या फिर आप इसमें फंस जाओगे। बोल रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। आपको सिंपल लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है चाइना, चीन, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी रूस रसिया, और ऑप्शन नंबर डी इंडिया भारत। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? चलिए जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। समय को मैं समाप्त कर रहा हूं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर चाइना नहीं है और ये है अपना भारत। भारत जो है 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया। चीन की आबादी वर्तमान समय में 142 करोड़ के आसपास है और हमने 143.9 यानी लगभग 144 करोड़ की आबादी हमने प्राप्त कर ली है। तो इस तरह से हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हो गए हैं। चीन दूसरे नंबर पे है। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है लेकिन वो क्षेत्र के मामले में है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा महादेश है, याद रखिएगा इस चीज को। तो या तो आप इस क्वेश्चन में इंडिया को टिक करे किए होंगे या फिर आपने चाइना को किया होगा, कुछ लोग रूस के साथ भी किए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेशन को शेयर जरूर करते जाएंगे। और एक और सवाल, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पिछली बार हमने महर्षि वाल्मीकि इनपोर्ट पूछा था, अब इस बार आप बताओ कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ और पटना। आज का जो आपका क्विज है दोस्तों आम कंपेरेटिवली मुझे हल्का लग रहा है कि मैंने इसमें बहुत कठिन प्रश्नों का समावेश नहीं किया है। तो आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किन शहर में है। अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, जल्दी से बताइए। समय को मैं समाप्त करते हुए आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और वही फिर से अपना पटना। पटना जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे एक बहुत ही वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जयप्रकाश नारायण, उनके नाम पे रखा गया था। इन्होंने आज़ादी से पहले भारत छोड़ो में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद भी जब कांग्रेस अपने अच्छे ढंग से वर्क नहीं कर रही थी तो इन्होंने पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था और छात्रों की जो मुहिम थी उसको एक आवाज़ दी थी, उसको एक दिशा दिया था इन्होंने। तो बहुत बड़े नेता थे, खास तौर पे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तो और भी बड़े। लेकिन सोचो बहुत बिकट स्थिति में, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से इनके संबंध कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे थे बट राजनीतिक रूप से ये कांग्रेस विरोधी भी थे। चलिए अगले सवाल, 5 लाख सांकेतिक रूप के लिए, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल, यानी भारत का मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पटना, मदुरई, बनारस और जयपुर। इन चारों में वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों का शहर कहा जाता है। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का भी काम कीजिए। बहुत मेहनत भी लगती है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। चलिए आंसर को देखते हैं और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका मदुरई। मदुरई जो कि आपकी तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मंदिरों का शहर। इसमें संभवतः बोला जाता है कि इस शहर में अगर आप छोटे बड़े मंदिरों को देख लो तो 5,000 से भी ज़्यादा मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। पटना में आपको विश्व प्रसिद्ध महावीर मंदिर है, बनारस अपने काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि घाट का शहर कौन सा है, तो बनारस है। जयपुर अपने महल और अपने गुलाबी कल्चर के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरह से मदुरई आपका टेंपल सिटी हो। चलिए अब सेकंड लास्ट सवाल की तरफ आपकी बढ़ रहे हैं। आज का दूसरा अंतिम सवाल फिर से भौतिकी का एक सवाल है दोस्तों कि व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट, विद्युत धारा, करंट जो आप देखते हो जिससे आपका बिजली बल्ब, बत्ती, डीजे, लाइट सब आप जलाते हो। तो
तो बोलता है कि ये जो करंट है, विद्युत धारा है, इसका मात्रक बताइए, इसका मात्रक बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए संकेत एक्चुअली मैंने यहाँ दिया है, मात्रक यहाँ पर, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा यूनिट की जगह पे संकेत मैंने दे दिया है। खैर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसके मात्रक की बात करें तो ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी जूल, डी वाट, इन चारों में से कौन सा वो मात्रक है जो आपका यूज होगा। फिर से सुनिएगा कि करंट विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है, ए एम्पियर, वी वोल्ट, सी में आपको देखने को मिलेगा जूल जे, और वाट डब्लू, जिसको हम लोग डब्लू से दर्शाते हैं। तो किससे है, एम्पियर, वोल्ट, जूल, वाट? जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते चलिए। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका एम्पियर। एम्पियर जो है आपका विद्युत, एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है, और एम्पियर को हम लोग ए से दर्शाते हैं। वोल्ट से हम लोग जो है उसकी वोल्टेज को चेक करते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है, कितना तार के बीच में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड के बीच। जूल से हम लोग ऊर्जा और काम को मापते हैं, और वाट डब्ल्यू से हम लोग किसी वस्तु के, किसी उपकरण की क्षमता को मापते, शक्ति को। जैसे आप बल्ब वगैरह पर देखो या खरीदते हो तो उसमें आपका 9 वाट, 5 वाट, 0 वाट, इस तरह से कुछ लिखा होता है, तो ये उसकी शक्ति को आपका यहाँ पर बताता है। चलिए अब अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आज का आखिरी सवाल ज्योग्राफी से है कि विच रिवर इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत। इसमें से कौन सी नदी है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा। सांगपो, सांगपो सांपो जैसा, यानी सांप के आकार का, और एक सांगपो का मतलब होता है पवित्र। तो इन में से कौन सी वो नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? जल्दी से, आखिरी सवाल है। सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप उस ढंग से इसको शेयर हो नहीं रहा। चलिए आखिरी सवाल है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी अलग होता है दोस्तों, लंबी पूछे तो गंगा है, सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र आपकी। असम वाले क्षेत्र में बहुत बाढ़ लाती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है जहाँ इसका नाम है दिहांग, और ये तिब्बत के चिमयुंगडुंग में भी, अगली बार मैं कभी ग्लेशियर पूछ दूं तो चिमयुंगडुंग यानी बर्फ के बड़े बड़े चट्टान को ग्लेशियर बोलते हैं, जिसके पिघलने से नदियां बनती है, तो ये तिब्बत के चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और तिब्बत में इसका जो नाम है वो है आपका सांगपो। झेलम, इसके किनारे अगर आप देखोगे तो श्रीनगर बसा हुआ है। सिंधु, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध नदी है, और इसके किनारे प्राचीन काल में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, अभी ये पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध नदी है, सबसे फेमस नदी है। और आपका एक और जो है सोन, ये आपकी दक्षिण बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे और भी कई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। और फिलहाल पर्यावरण, परिवार ध्यान रखिएगा, राममय ये भूमि हो गई है दोस्तों, तो राम नाम जपते रहिए, और देश की भलाई और अपनी तरक्की दोनों के लिए काम करते रहिए। इस नए वर्ष में कुछ नए गुणों का अपने अंदर समावेश कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।